लो भाई साहब, फाइनली ये वाला घर बुक हो चुका है और सीन ऐसा है कि सीन नाम से ना पूछें। सारे जड़े बजट के आंदे हो ना, शादी करनी है ताकि तो पता भाई सी शादी करनी है। यहाँ पे हम आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स देखने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सुन लेने। हमने कहा चलो आइडिया शाइडिया लेते हैं। बहुत बारिश हो चुकी है भाई साहब, और मज़े की बात है भाई साहब वो तो फिर आपको पता नहीं, यहाँ पानी तो रुकता नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता ना। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू व्लॉग। क्या हाल चाल हैं, ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, पाकिस्तान वाली हूँ, जिंदाबाद, घुकते पो वस्ते पो यारो। यकीन करो दिल गल करके ना यूट्यूब के जरिए चस आ जाती है, मज़ा आता है। चलो यार ना असं अपने देश वाले बंदे नाल ना मतलब प्यार भरी गल करते पे हैं। माशाल्लाह ठीक ठाक हो तो असं भी इतने बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अज का मौसम बड़ा जबरदस्त है, अज का मौसम भी थोड़ा शेयर करने हैं, तो अज थोड़ी आउटिंग भी करिए यार ना। बड़े चार पाँच दिन हो गए कोई हम निकले नहीं हैं, हम इसी में मसरूफ़ थे, घर सामान ये वो ना, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो जो आप सवाल पूछ रहे हैं कमेंट्स में, हम सबको आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, डोंट वरी सबको आपको सवालों के जवाब देंगे। बस हम चाह रहे हैं कि हम खुद से एक्सपीरियंस करें, ना कि हम आप लोगों को सुनी सुनाई बातें करें। तो आज थोड़ा सा बाहर का माहौल का भी एक्सपीरियंस करते हैं, थोड़ा सा निकलते हैं, देखें तो सही ना, तो मौसम भी दिखाते हैं, बाहर का माहौल भी दिखाते हैं, आप लोग हमारे साथ चलें। सब सवाल जो भी आपके दिल में आता है ना कि क्या क्या है यहाँ पे, करेंसी का रेट ये वो ना जो भी है, तो वो अब सब लोग हम आपको बता रहे हैं कीमतें ना। आप व्लॉग पूरा देखा करेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें व्लॉग के अंदर ही नज़र आ जाएंगी, मिल जाएंगी, पूछने वाली जो चीज़ें होती हैं। तो बाकी यहाँ पे कामकाज कैसा है उसके बारे में भी मैंने थोड़ी सी इसी वीडियो में क्लिप स्लिप डाल दी हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि मजदूरी का क्या मिलता है यहाँ पे, कौन कौन से काम हैं, वो भी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। अच्छा मुल्क है, साफ़ सुथरा है यार, लोग बड़े अच्छे हैं। और अभी आज हम निकलते हैं, देखते हैं कि लोगों का मिलना, फैमिली के साथ रवैया, बैठना उठना कैसा है, वो भी आप लोग से शेयर करें। लेट्स गो जी, व्लॉग को शुरू करते हैं। हो एक काम भूल गया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ये जो वीज़ा शीज़ा जो भी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, क्या खर्चा है, कितना खर्चा, आने का, रहने का, बैठने का, खाने पीने का खर्चा, सब चीज़ें शेयर करेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा टाइम दें, जरिए बात थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी होती है घर में, नई जगह पे, पराई जगह पे, उसमें थोड़े से मसाइल मसूल होते हैं, तो वो थोड़ा सा हम फ्री हो लें। तो जो जो आपके सवाल आते जाएंगे हम गाये बगाए हर वीडियो में उनका कोई ना कोई जवाब भी देते रहेंगे, तो परेशान नहीं होना। चलेंगे वगैरह सारा कुछ हो चुका है और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से ना, निकलें, चलो आ जाओ। ऐसे बंद करते हैं, गाड़ी बुक हो चुकी है और अभी हमने निकल रहे हैं। चलो जी माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, नए सफर की तरफ शुरू। अभी वैसे हम आए हैं यहाँ पे ना, ये है तंग सिटी मॉल। वैसे यहाँ पे गाड़ियाँ देख लो तो समझ नहीं आखना, सब जापान की जितनी भी गाड़ी है ना इंपोर्टेड, टोयोटा, मित्सुबिशी, सुजुकी, होंडा, मतलब ये तो ऐसे है ना, और बड़ी सारी एसयूवीज टाइप की हैं। ये मुझे एक छोटी सी गाड़ी नज़र आई है, सेडान, बड़ा मॉल कहते थे, वही वाला है। और मैं गाड़ियों के बता रहा हूँ, मैंने कहा गाड़ियाँ बड़ियाँ बड़ियाँ नहीं थे, छोटी गाड़ी तो है ही, नज़र ही नहीं आती। हाँ बस वो भी कम है, मेजोरिटी लोगों के पास ना बड़ी गाड़ियाँ। जापान से सारी गाड़ियाँ आके इधर ही रुक जाती हैं, और सस्ती भी हैं, सस्ती है। अच्छा माशाल्लाह बहुत बड़ा मॉल है शहरी, वो बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा है। ये हालांकि ना मतलब तंगरंग सिटी को इतना बड़ा सिटी नहीं है, छोटे वाला सिटी है, मतलब काफ़ी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उस जगह पे भी इतना बड़ा मॉल है। हमें तो खुद को परेशानी हो रही है कि यार हैं इंडोनेशिया में ये हालात हैं। बस अब आप लोग कहोगे फिर पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर इसलिए करता हूँ कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए, हम कौन चाहता है कि हमारा कंट्री ऐसा हो, ऐसा ना हो। अच्छा तो असल हमारा ना दिल यही करता है कि यार हम भी ऐसे हों,
लेकिन देखो ना, इंडोनेशिया जैसा अगर कंट्री ऐसा बन सकता है ना, तो हम क्यों नहीं बन सकते। लेकिन आप ये कहते हो कि पाकिस्तान को आप बुरा कहते हो, ये कहते हो, यार बुरा कौन कहता है, मुल्क अपना अपना होता है। बात सिर्फ करने की ये होती है कि यार होना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते, हमारा यही मसला है ना। हालांकि यहाँ पे भी कोई इतनी अच्छी कोई आइडियल हुकूमतें नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये लोग देख लो, इनके वसायल, इनके हालात काफ़ी अच्छे हैं, एक माहौल है, एक सिचुएशन है। क्या अच्छा, यहाँ पे भाई सब सीन, यहाँ से हम नीचे से आए हैं, ये इनका स्टोर है, और ऊपर आ चुका है सर मिन्ना, हमारे बच्चों ने वहाँ पे है खेलना। आपने क्या लेना है, पता क्या किस तरह की कॉस्मेटिक है, आगे देखो आगे देखो आगे देखो। ये इनकी लोकल है। हाँ हाँ वो भी दाओ बा, बच्चे अपने बच्चे को काबू रखना, मैं अपने बच्चे को काबू रखूंगा। किधर आए, देख लो भाई साहब, बड़े बड़े माल हैं, फिर ये ना क्यों, तो माल ही छोटे थे, इतना बड़ा माल है, और ये इतना कोई बड़ा सिटी नहीं है जिसमें हम फिरते हैं। हाँ। ये बिल्कुल छोटा सा सिटी है, क्या मेन है जकार्ता, वहाँ से अगर हाँ, हम जकार्ता से दूर है। हाँ, ये एक समझ लेते तंग रंग भी कर लिया, ये घसुना शसुना मार लिया। यहाँ पे हम आए इलेक्ट्रॉनिक्स देखने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सुन लेना, हमने कहा चलो आइडिया शाइडिया लेते हैं यहाँ से ना। तो हाँ ये लेनी यार, मैंने एक्सरसाइज करनी, मैंने अब स्मार्ट स्मार्ट बनना। अस्सलाम वालेकुम। तो ना ये एक्वेरियम, हाँ ये छोटी है यार, ये छोटे वाली है। कौन कौन सा सामान लेना किचन के लिए, देख लो फिर है, अभी ना लेना नहीं है तो फिर आके लेके ना। हाँ हाँ अच्छा, मैं सामान है सही, लेकिन कुछ हमने लेना भी है, तो वो यहाँ से देख रहे थे, यहाँ पे सारा ही किचन की क्रॉकरी वगैरह सब कुछ ओके है, इलेक्ट्रॉनिक्स घर का सामान। शहरी इधर आओ, शहरी मेरे पास आओ, शहरी ये तेरा बच्चा, तेरा बच्चा गुम हो जाना है माल ले, लफना कोई नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। मेरे लिए क्या सरप्राइज, इधर मैंने कौन सी अलमारियां लेनी है, ये देखो अलमारियां पड़ी हैं सारी भाई सब यहाँ पे ना, वो वाली लॉकर जो होते हैं क्या, ओह हो अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे मैंने ड्रिलिंग मशीने लेनी है। हाँ उधर नजर ना करो, उधर नजर करो। अच्छा अच्छा अच्छा, कहता उधर नजर करो उधर। अच्छा हर प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाती है भाई सब, कोई ऐसी चीज मैंने नहीं देखी जो मेरे जहन पे आ रही हो और मैंने सोची हो और मुझे नजर ना आई हो, हर चीज आपको मिल जाती है यहाँ पे, टूल्स हर तरह का टूल भी आपको मिल जाता है, क्या बात है यार। आप तो खुश हो गए, या नहीं अब देखो ना, हमें वहाँ पे चीजें ढूंढनी पड़ती है प्रोडक्ट ना, सऊदी अरब से भी मैं ले आया था सामान अपना, कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो इस मॉल में नहीं है। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ ये वाला मैंने लेना है, ये माल भी वो सऊदी अरब वाले माल की तरह है, ये देखेंगे ये नौ सौ
वैक्यूम देखे हैं? हाँ मैंने देखे, बहुत बड़े। ये क्या चीज है? ये भी वो वैक्यूम क्लीनर की तरह ही होते हैं। ये देखो ये ऐसा है, ये स्टैंड पे लगता है और वैक्यूम से खींचता रहता है कारपेट साफ करने। ये वाला शेदू को, हाँ मैंने देखे देखे देखे, हाँ वो भी देखे। इधर आ जा, इधर आ जा, घास काटने वाले कंचे। हाँ अच्छे अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड है यहाँ पे ना, ये तो चीज है। पंप, चलो आ जाओ। छुरियाँ, चाकू, चमचे, एवरीथिंग, फ्राई पैन, क्या क्या दिखाऊं लाला मैं तुहानू, किसे किसे दिखाऊं। रेट की भी कोई समझ नहीं आती, रेट यही लगे हुए हैं। ये क्या है? अंडा बनाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी तरह इसमें डालते गया, एक ही दफा बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, लेंगे 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 लेंगे। भाई सब यहाँ यहाँ पे आपको क्या नहीं मिलता, गाड़ियों के स्टेयरिंग के कवर भी हैं। वाह, अच्छा गाड़ियों के कवर, यहाँ पे सारा सामान ही गाड़ियों का है। इधर एक्सरसाइज वगैरह, वो जिम का आपका सारा सामान है। और अच्छा हर चीज है यार, जो मैं नहीं सोच रहा था वो भी है यहाँ पे। शेरी सुनो, कवर भी पड़ेंगे एक की छत के नीचे। हाँ ये भी है, ये लेके तो तेरे घर में पड़े हैं, वो कभी कभी तूने खेले ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? वो मैंने ना करो शेरी, आ जाओ इधर आओ मेरे पास। गाड़ी धोने छोने वाला सारा सामान है यहाँ पे। कौन से वाले लिए माल्टे यहाँ से ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इनकी प्राइस है 88,000। अच्छा एंड दिस, एक नाशपाती, ये है जनाब जी 2,300 रुपये की। ओके ओके, एंड दिस ये 3,600 की। अच्छा जी इन इन का बन है, और ये बन है, ये माल्टे, ये 3 सेब, ये 1 नाशपाती। इनका बन चुका कितना बना जी? 1,30,000 रुपया। ओके थैंक यू। अच्छा अरे ये निकाले घर पर पड़े हैं, ये ना 1,20,000 का बना, बिना मारा मैं इसमें डाल दूंगा, शुक्रिया। आइए समझे। माशाल्लाह से जबरदस्त की बारिश शुरू है, ये देखिए। हाँ ये हमारी सोसाइटी की रौनक हो गई है। और ये मैंने इधर कपड़े डाले थे, उसको देख के आती हूँ। लटके हुए हैं हमारे कपड़े, ये देखिए हमारे। मैंने कहा यहाँ के तो बादल भी करते होंगे, मिनी 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 मिनी, ये तो गरजते हैं, चमकते हैं, अच्छे भले हैं। बहुत बारिश हो चुकी है भाई साहब, और मजे की बात है भाई साहब, वो तो फिर आपको पता नहीं, यहाँ पानी तो रुकता नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता ना। लेकिन यहाँ पे गरज चमक बहुत होती है। वो एक सामने एंटीना लगा हुआ है ना, ये इसीलिए लगाया हुआ इन्होंने, ये गरज चमक के लिए। जहाँ तक मैंने सियासी नहीं, मैं तुक्का लेता फिर नहीं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहुत गरजता है भाई, ठंड हो गई है, ठंड हो गई बिल्कुल ही ना। अब हमारा तो दिल नहीं कर रहा कि हम निकलें बाहर बारिश में, मेरे ख्याल में निकलना भी नहीं चाहिए, जिस तरह ये गरज चमक रहा है ना, गिरता भी बहुत होगा।
बारिश और चाय, हाय हाय हाय, यकीन कर सकते बेगम आइए काम थोड़े चंगे न, बाकी तो बस अच्छा ना यहाँ पे ना ये होता है खवातीन मर्द सब काम करते हैं और किसी के पास कोई टाइम नहीं होता कि, लेकिन एक चीज़ तो मैंने नोटिस की है, आपने भी की होगी, खवातीन शौहरों की रेस्पेक्ट तो बहुत करती हैं। पता नहीं, मैंने तो लड़कियां सिर्फ खाली देखी, आपने कौन शौहर वीडियो देखी है? अभी तो अच्छा की बात आप लोगों को पता ही कोई नहीं है, ये जिसको रिस्पेक्ट कह रहे हैं ना, मैं आपको बता सकती हूँ। ये हो सकता है कि शौहर अपने आप को ऐसे आता है, ये हो सकता है। देखिए मेरे शौहर कैसी बातें कर रहे हैं, फिर ये साफ जाएंगे मैं इनको ना झोली में अल्लाह हू करती फिर हूँ। देखो कंधे दबाओ शबाओ कोई इस तरह के हैं। चलो बारा बारिश बारिश अब इतनी हो चुकी है ना, अगर ये हमारे इलाके में इतनी बारिश होती तो हमारे तो घर आते डूब गए होते। ये मुल्क ना आपको शायद पता है, देखा होगा आपने, इसके चारों तरफ तकरीबन समंदर है, सिर्फ एक मलेशिया वाली साइड पे थोड़ा सा है, लेकिन वहाँ पे भी समंदर का कट है, बाकी इसका सारा समंदर ही समंदर है, समंदर ही समंदर है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है ना, तकरीबन ये वैसे ही कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है ये, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की बहुत सस्ती फ्लाइट मिल जाती है। ले लो नाश्ता दो इसको यार, सब बादल बरस के सब चीज़ धुल गई है, सरसब्ज हो गई है, साफ सुथरा हो गया, और अभी बादल भी गरज रहे हैं, ठीक ठाक बारिश हुई है, ठीक ठाक वाह वाह किस्म की, सब कुछ धुल गया। अच्छा गरज इतना ज़ोर से गरजता है ना यहाँ पे, तो वैसे पता नहीं आज गरज रहा है कि वैसे भी यहाँ पे इतने ज़ोर से गरजता है। अच्छा ना यहाँ पे ना ये काम हो रहा है, ये सामने कर रहे हैं लड़के काम ना, ये करके रेनोवेशन हो रही है। अच्छा यहाँ पे ये सीन है भाई साहब, अगर घर का काम करना है तो इसका एक बाकायदा सर्टिफिकेट मिलता है रेनोवेशन का, वो परमिट होता है, वो सामने लगा हुआ है यहाँ पे ये गेट के ऊपर, तो ये परमिट लेके ये उन्होंने गेट के ऊपर चिपकाया हुआ है कि भाई साहब ना यहाँ पे भाई रेनोवेशन हो रही है और इसका ये परमिट है, मतलब डिसिप्लिन है। मैं सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को कि भाई इस जैसा कंट्री, इंडोनेशिया जैसा कंट्री भी यहाँ पे कुछ डिसिप्लिन है, ऐसे नहीं है कि बस चलो जी हाँ जी रंग दिया बाल्टियाँ चाहो तो जुड़ जाओ, ऐ गल कोई नहीं, हर चीज़ एक मतलब आर्डर के तहत चलती है, अच्छी बात है। उससे मैंने अभी पूछा है कि यहाँ पे दिहाड़ी का क्या हिसाब है, तो ये मुझे बता रहे हैं 150,000 दिहाड़ी है ये ना जो रंग पेंट करते हैं इनकी, और ये पाकिस्तान में तकरीबन बनती है 18,900 मतलब 2700 रुपया, अच्छी है दिहाड़ी, मजदूरी यहाँ पे अच्छी है। ये कर रहे हैं सारा रंग ना, ये सारा घर तैयार हो चुके हैं, और जहाँ पे हम जा रहे हैं ना उस जगह का नाम है बोगर, बोगर यहाँ करीबी है कोई ना, अच्छा तो देखते हैं हम आप लोगों को भी दिखाते हैं बोगर कैसा है, बिल्कुल थोड़ा सा बाहर निकले ना, कोई हवा सवा लगाए ना, क्योंकि ना बहुत मसरूफ रहे काम में, सेटिंग सेटिंग नहीं जगह शिफ्ट होना ना, चाहे सपोर्ट हो या ना हो, लेकिन शुरू में जो सेटिंग होती है ना भाई सब टाइम जो होता है ना वो बहुत लगता है, बड़े मसाइल होते हैं, हम आप लोग सारे शेयर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस सब फ्री होते रहें तो सब रिलैक्स हो जाएंगे ना, फिर हमें याद आते रहेंगी बातें, आप लोग बताते रहेंगे, ठीक है। चलो भाई साहब फाइनली गाड़ी आ चुकी है और हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ी में हम अब बंदे हो चुके हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बड़ी ऐसी हुई है और उसमें 7 सीटें होती हैं, लेकिन हम 8 बैठ चुके हैं, तो हम जा रहे हैं जनाब बोगर, बोगर मरी जा रहे हैं की मरी है, अच्छा यहाँ पहाड़ी इलाका है, इमरान भाई हैं ये, पाकिस्तानी इमरान भाई हैं। हेलो, ये कल जा रहे हैं मलेशिया हैं जी, इंशाल्लाह मैं मलेशिया, मलेशिया के दौरे के बाद फिर ये फिर इंडोनेशिया का दौरा करेंगे, तो अभी इनका पाकिस्तान के दौरे का मूड नहीं बना जी, बिल्कुल
असल में काफी सारे मुल्कों को विजिट रहते हैं, चाइना के, हांगकांग के, सिंगापुर, सऊदी का। इंशाल्लाह उमरा करने के बाद तकरीबन 2 महीने बाद हम पाकिस्तान का फिर विजिट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बारिश हुई है भाई साहब सुबह जबरदस्त किस्म की, और अब हम जा रहे हैं जनाब यहाँ का, जैसे पाकिस्तान का मरी है ना कह रहे हैं, यहाँ पे वो मरी वाला इलाका है। चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं, आप भी देखें जी। तो हमारे साथ ना और भी हैं, दो भाई पाकिस्तानी हैं, तो वो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पे हैं, और उनसे मेरी भी डिस्कस चल रही थी, तो वो ये बता रहे थे कि बाकी तो कोई मसला नहीं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हमारे साथ चल रही है। अभी ना नए नए आए हैं हमारे साथ ही ना, तो बस ये है कि थोड़ी सी लैंग्वेज का यहाँ पे ना इंग्लिश का प्रॉब्लम है। हम तो माशाल्लाह इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, और आप लोगों ने सुनी भी होगी, तो यहाँ के लोग भी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो वो ना फिर हमारी अड़ जाती है आपस में, हमारी गुलाबी और निस्वारी आपस में टकरा जाते हैं। हाँ, वो ना मीनिंग कहीं हो जाए, इसी इंग्लिश के चक्कर में ना हमारे साथ भी वही थोड़ा सा चक्कर हो गया था, नहीं तो अगर सही समझ आती ना तो हमें भी सही समझ आ जानी थी। उस चक्कर में ना हमारा थोड़ा सा हो गया था ऊपर नीचे काम। चलो कोई नहीं, हम तो कर लेते हैं, आपको पता है जरा हमारा और मिजाज है ना, हम जरा और चलते हैं। तो बाकी यहाँ पे जिन लॉन्ग स्टे मतलब जिन बिजनेस के वाले से होता है ना, तो वो थोड़ा वो स्टाइल होता है। बाकी कुछ काम करेंगे, हमारा पकौड़े जलेबी का मूड है, इंशाल्लाह बनाएंगे। आप लोग आना पाकिस्तान से खाने यहाँ पे, इंडोनेशियन लोगों को भी हम खिलाएंगे पकौड़े जलेबी, पक्की बात है। पाकिस्तानी फूड की बहुत कमी है यहाँ पे, बहुत कमी है। हमने जिसको भी हमने लगाया ना, एक दफा खा के किया ना, दोबारा जरूर आएगा, क्योंकि हमने उसमें इतना प्यार डालना है ना अंदर। एक बंदे का खाना जो यहाँ पर है वो समझ लें कि एक सालन की जैसे हमारी कटोरी होती है और उसके साथ दो रोटियां, तो तकरीबन पाकिस्तानी 2000 रुपए में वो पड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, इतना ही। यहाँ पर पाकिस्तानी फूड की डिमांड है। हाँ, ऐसे ही लोकल लोग भी, क्योंकि ना मसला सिर्फ मुक्त अलग डिश का है, बाकी यहाँ मसला स्पाइस ये भी खाते हैं, मिर्चे खाते हैं। हाँ, ये भी ये इस वाला सीन बराबर है, इसमें कोई मसला नहीं है भाई कि हम अगर स्पाइसी बनाएंगे तो खा नहीं सकेंगे लोग ना। नहीं, जब स्पाइसी बनाएंगे तो खाएंगे जरूर ये लोग। कराची वालों से भी, सिंध वालों से भी आगे निकल जाता है, कराची की बिरयानी स्पाइसी बहुत मशहूर है। ऐसे ऐसे, लेकिन समझ लें कि उससे भी डबल इनकी स्पाइसी है। और मीठा भी खाते हैं। हाँ, मीठा भी खाते हैं जी, बिल्कुल। तो मीठे में हम इनको जलेबी खिलाएंगे, स्पाइस में इनको पकौड़े और समोसे चटनी डाल के, आए हाय हाय, खट्टा करके, इसने खट्टा करके मारना है ना, यकीन करो इन बस पुठियां ही हो जाओ। चलो जी चलते हैं जी, आगे देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। गांव वाले सेट पे आ गए हैं, और यहाँ पे चावल, और चावल तो वैसे भी खाते भी बहुत है, और यहाँ पे चावल की फसल अभी कट रही है, ये देखे कुछ कट रही है और कुछ कटने वाली है। साहब यहाँ पे हम आ चुके हैं, ये है जी इनका इलाका, थोड़ा सा ना मतलब जिस जगह पर वहाँ से करीब करीब पड़ता है, और मतलब सैर तो फ्री के हवाले से है, लोग यहाँ पे आते हैं घूमते फिरते हैं, टूरिज्म वहाँ पे बोर्ड शोर्ड भी लगा हुआ है। बोगोर नाम से है जगह। तो चलो ये आ गए हैं, तो आप लोग भी दिखाते हैं, आप लोग भी देख लें। ये है तंगरंग से हमें तकरीबन कोई 1.5 घंटा लगा है, जहाँ पर हम रहते हैं ना, मतलब जकार्ता ही है सारा, तो ये जकार्ता के जरा नवाई इलाके हैं। अच्छा भाई साहब फैमिली, सारी फैमिली इकट्ठी हो चुकी है। आ जाओ। ये जो गाड़ी है ना, यहाँ पे स्टॉप है, ये गाड़ी लेके जाती है आगे ऊपर, तो इधर आ जाना है, फिट हो जाना है। अच्छा भाई शहरी ने यहाँ पे फिट हो जाना है, तो चलते हैं सारे ना, आगे निकलते हैं। बेगम के साथ ना उसको ना मना रही है, वो कोई थोड़े बहुत ना आपस में गुस्से में है, तो यहाँ पे भाई सब सीन होता है जरा बच के, इतना भी आसान काम नहीं है यहाँ पे। अच्छा ये जगह का नाम है बोगर, का बोगर, पर पढ़ लो यार इसका नाम ना, हमें पढ़ना नहीं आता, मुश्किल से कार बोगर। हाँ, ये टूरिज्म स्पॉट है, तो यहाँ से हमने आगे जाना, वो मेन बोर्ड है यहाँ पे ना, बोर्ड नहीं सॉरी मेन गेट जो है, यहाँ से आगे हमने जाना। अब जिशान ने हमारे लिए गड्डी बुक की है, तो एडी बड़ी गड्डी बुक कर सकती है,
और अभी हम जा रहे हैं आगे छत पे ऊपर की तरफ, सॉरी छत पे नहीं, अच्छा पहाड़ी पे जा रहे हैं। ये 7 किलोमीटर जमीन से 7 से 8 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी है। ओए होए 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 ले भाई समझता, फिर बाबू सर जाने पाए। 10 से 10-12 मिनट लग जाएंगे ऊपर चढ़ते चढ़ते। भाई साहब आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो 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 बैठो। हमारी फ्लाइट निकल चुकी है जी। हाँ जी शेरी, फ्लाइट हमारी निकल चुकी है। ये है जनाब जी गेट, गेट से हम अंदर में आ चुके हैं और ये फुल चढ़ाई है यहाँ पे ना। आए हाय हाय हाय, लोड हो गया भाई साहब, लोड हो गया, ला ला। आए हाय हाय ऐसे माशाल्लाह। हाँ जी ओ काम काम काम, पाकिस्तान जिंदाबाद। आए हाय प्यारी जगह भाई साहब, हम भी पहुंच जाएंगे। आप डर लग रहे हैं अपने तरफ, नहीं डर लगता ना अपने ड्राइवरों। माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारी जगह, खूबसूरत जगह, जगह आप खुद भी देखते जाएंगे। ठंडा होता जा रहा है बिल्कुल ही। नहीं प्यारा हर जगह प्यारी है वैसे। गड्डियां जांदियां पईयां ने उच्चियां उच्चियां, इधर दस नजारे भी देख लो भाई साहब। शाबाश लला जिंदाबाद। चढ़ी जांदी है, चढ़ी जांदी, बड़े ऊंची हो गए हम भाई साहब। गुड, देख लो भाई पहाड़ के ऊपर रोड बना दिया है जबरदस्त किस्म का। इधर से आ रही होगी लोग। हाँ कैसा लग रहा है? ला बस अब यहाँ तक हम आ चुके हैं और जो ऊपर वाला रास्ता है ना वो पैदल है। कल वीकेंड था ना, वीकेंड नहीं आज का हम। अच्छा या बहुत अच्छा। वाह अला बिल्ली, ओ बिल्ली बिल्ली बैठी थी, वैसे बिल्लियां यहाँ पे बहुत हैं। ओ तेरी खैर, वाह वाह ओ ना, अभी सबर कर अभी सबर कर। माशाल्लाह से यहाँ से जी नीचे का नजारा दिखाऊं मैं आपको ना। मेरी याद आ गई। आहो आहो बिल्कुल बिल्कुल सेम 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 सेम। हाँ सलसा जी बहुत प्यारी जगह, खूबसूरत जगह, सरसब्ज जगह। सरसब्ज तो ये पूरा इंडोनेशिया है, मतलब ना तकरीबन सरसब्ज। आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, लेकिन ना यहाँ पे आके एक अलग ही वाइब है। सेम मरी वाला स्टाइल है ना। गिर जाना मत। हाँ हाँ कैसा लगा शहरी आपको? अल्लाह ताला के पास पहुँचना सीधा। अच्छा नहीं अभी गिरते नहीं, अभी अल्लाह ताला के पास अभी नहीं पहुँचना। माशाल्लाह बड़ी प्यारी जगह जी। ऊपर चलते हैं, ये रास्ता है। उतराई में मजा आएगा। ये तो चलें जी, वो चलते हैं जी। यहाँ पे ना थोड़ा सा सीन खराब है। बस मैं और ये भाई साहब ना यहाँ पे चलते हैं, वो पीछे
हमारी बेगम भी पीछे रह गई है और दिशान की बेगम भी पीछे है, वो वहाँ पे खड़े हैं। वो भाई सब सीन ये है कि ना सीन पूछे, सीन ऐसा है कि सीन नाम से ना पूछे। सारे जड़े बजट के आंदे ना, शादी करनी है शादी करनी है, ताकि तुम्हें पता वैसे शादी करनी है वड्डे आज शादी। नहीं नहीं साड़ियाँ मोड़ी गुजारा कर लेंदियाँ नहीं, हमारा एक सिस्टम और है, ये सिस्टम और है भाई साहब, भाई साहब यहाँ पे सिस्टम और है, वहाँ पे सिस्टम और है, तो आप और में ना आए और में करें। लो माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। लाला प्यारी जगह, कोई भी कोई नहीं, हम कले इंजॉय कर रहे हैं, हट बने हुए हैं। ओए तेरियाँ खैर सदके सदके, रहने के लिए बस हट है, बम्बू बम्बू हट। आय हाय हाय प्यारा सीन, आय हाय हाय हाय। ये है जनाब जी यहाँ का, ये कह रहे हैं कि पाम ऑयल, ये खजूर टाइप का पौधा है ऐसे, और इसके साथ में ये ऐसे लगा हुआ, बड़े सख्त सख्त है। बस करो आ जाओ, बस करो। भाई साहब ने कह रहे जन्नत का दरवाजा है, यानी कि डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहते हैं ना, तो बस दरवाजा आप गुजरेंगे तो बिल्कुल सीधी जन्नत। ये भाई साहब यहाँ पे दरवाजा बनाया हुआ है, झूला भी बना हुआ है, सही बनाया हुआ वैसे है ना। सर भाई यहाँ पे खड़े होके भी जन्नत दे सकते हैं, जन्नत ही हो। देखे ना क्या सीन बनाया जी, एक 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 बंदा एक जन्नत में जाए, सारे तो ना जाए ना, बारी बारी। आहा हा हा हा, पीछे हट जाओ सदके सदके। अच्छा यहाँ पे पितंगबाजी भी हो रही है, आहो ये देखे सीधी सीधी जन्नत बहती पी यार शहरी, आप पीछे हो जाना सर ना करना। आ जा बेगम इधर, आसान बेगम को राजी हो ही है। देखना फट्टे शट्टे कोई ठीक हूँ मैं, नहीं करता अब आप ना जाना। हाँ तो बहुत करता हूँ, तो बहुत तो बहुत तो बहुत ला माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा जगह बनाई हुई है वैसे। पपीता बहुत है यहाँ पे, पपीता नहीं जैक फ्रूट है। नहीं नहीं ये पपीता बहुत है, ये वाला ये यहाँ से नजारे इस इलाके के खूबसूरत, सबसे पहाड़ियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारी जगह। जा रही हो अकेला छोड़ के? भाई सब ये ऐसे हट बने हुए बैठ के कुछ खाना पीना हो तो बैठ के खाओ पियो। ओ शेरी को मिल गया, मर्दों कभी अंडे नहीं देते। घोंसला बनाया हुआ है पूरा, ये ईगल का पूरा। हाँ ये भी कितनी प्यारी जगह है, यूं मैच के पीछे तस्वीरें बन रही हैं। इसको बुलाओ बनाएगा आप इन्हें। उन्होंने ना मुख्तलिफ ये कश्ती टाइप की बनाई हुई है, इसमें भी आगे जाना होता है, लेकिन डर लगता है बंदे को ना आगे जाते हुए। चले जा चले जा, कुछ नहीं होता, मैं खड़ा हूँ इधर। हाँ भूखती जाओगी इनको ना चढ़ाना, तुझे अभी सफर कर सफर कर। हाँ चलो 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 चलो, जाओ जाओ जाओ, शाबाश।
पीछे हो भाई, चप्पू मारो। अब चप्पू मारो हाँ जी, शहरी दराजा दरख्त के ऊपर वैसे बना हुआ है घर। हाउस चलो भाई, चलो जी, ये घर इनको लेके दे दिया, ऐश करो। नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, ये सही है, इतना नहीं बनाया हुआ कच्चे। खाना पकाते हैं इधर, माशा बड़ी प्यारी जगह यार, अच्छी चीज बनाई हुई यहाँ पे ना। हाँ वो ही ना, बड़ी अच्छी प्यारी जगह। लो भाई साहब, फाइनली ये वाला घर बुक हो चुका है, और अच्छा बुक नहीं है, यहाँ पे मुफ्त है, आप मजे करो, एंजॉय करो, खाओ पियो। हम मैं थोड़ा सा टूर करवा दूं बंबू घर का। ये हमारा वो है, स्टेयर है। आ रहा हूँ। ये सर जाली फटी हुई है, बाकी सारा ठीक है माशाल्लाह। तीन जगह बैठने के लिए, चलो जी, चलो तो चलो, चलो जी माशाल्लाह। खूब बैठने के लिए, गम इधर से बहुत नीचे है, इधर से भी नीचे है। अच्छे अच्छे सीन बनाए हुए, चलो जी, आप लोगों को विजिट करवा दिया, मुफ्त है, मुफ्त है। एक पेड़ के ऊपर जो दरख्त है ना, उसका हर जगह बैठने के लिए बहुत बनाई है, बैठने की जगह इतनी है यहाँ पे, बहुत बनाई है। साइकिल वाली है, वो हाँ, है जिप लाइन है। हाँ, जिप लाइन है। और रोड भी देख ले, साफ सुथरे। ये आपको बाद में दिखाते हैं, पहले आगे से हो ले। चलो ये जैक फ्रूट है सारा, अभी छोटा है। हाँ ये मस्जिद है, मस्जिद है। इधर शहर पीछे नहीं जाना ऐसे। हाँ मस्जिद है, नमाज वगैरह के लिए जगह, टूटियां शूटियां लगी हुई हैं। टॉयलेट, अच्छा ये टॉयलेट है, देखो यहाँ पे ना मिल रही है। और अच्छा, यू फ्रॉम इंडोनेशिया, इट्स मीन जकार्ता, तांगरंग विच बुगर, दिस प्लेस कॉल्ड बुगर। यो ओके, वी फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान, यू नो पाकिस्तान। आराम से। हाँ, अच्छा जी, बड़ा प्यारी जगह है माशाल्लाह, खूबसूरत जगह है। इधर यहाँ से थोड़ा सा देख लो, अच्छा गाड़ी भी आ जाती है यहाँ पे। हाँ काफी जगह है, बहुत रहने की जगह है। सर सब्ज खूबसूरत प्यारी सी जगह। हाँ मतलब कोई परेशानी नहीं है, वॉशरूम भी अब फ्री में यूज करते हैं, हमने तो फ्री में यूज किया। हाँ इंटरनेट भी है, हाँ, हर चीज हाँ सब कुछ है। ये कौन सा फ्रूट है? यहाँ आम, आम मैं आपको दिखाऊँ, मैंने पीछे एक आम का पौधा देखा था, तो वो अभी आम लगे हुए हैं। और पपीता तो यहाँ भाई साहब ये से है ना, ये से है। प्लेन में भी तो हमें पपीता देती थी, हम वापस उसको दे देते थे पपीता फिर आके। बेल ये देखो, ये ऐसे पपीते के दरख्त हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा है। हाँ खुद रो है ये सारा ना। ये सामने मस्जिद है, और मस्जिद के जो टूटियां लगी हुई ना वो भी ऐसे लगी हैं, ये क्या है, बांस, बांस के अंदर बना के टूटियां लगाई हैं, ऊपर बांस चढ़ा दिया है। अच्छा ये भी अच्छी चीज की हुई है। और यहाँ नमाज पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ये वाली हम लेके जा रहे हैं, वो वाली पे वो भाई सब जा रहे हैं। हाँ हाँ ऐसे ही पीछे आप फिर आगे चले जाओ।
हाँ मैं बैठ जाऊँ मेरा चलो जी जी। यहाँ से हम घूम फिर के ना आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा तो नीचे उतर रहे हैं वापस जा रहे हैं। बस ये थोड़ी सी ये जगह खराब है बाकी आगे तो रोड उसके एकदम फर्स्ट क्लास। इतने तो थ्रिल के लिए होती है। लो जी नीचे 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 जिंदाबाद This नीचे बैठ पूरे रास्ते में जगह बनाई हुई है, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे ना बंदा ना बैठ सके। अच्छा यहाँ पे मुर्गियाँ भी ऐसी हैं, थोड़ी सी छोटी हैं, लेकिन नहीं ठीक है, इधर काट लेती हैं ये। आ जा तू ये तो मेरी कुछ तो नहीं कहती। क्या ये खूबसूरत है पैर ये खूबसूरत है ना। हाँ ये आप लोग के बेटे के सर पे नहीं देखी। हाँ देखी है कैप पहन ली उसने। हाँ, अच्छी भी लगी। मैं क्या लग रहा हूँ प्यारा क्या लग रहा हूँ ये बड़ा। हाँ प्यारा लग रहा है। हाँ इसके देखो ना बैर से ग्रीन है अंदर से बल्कि ऐसे लगता है जैसे प्लास्टिक का हो लेकिन है ओरिजिनल। पानी लेना देसी मुर्गी पकड़ लो जाके पकाएंगे।